this is basically the story of the family also, and how the family kind of is going to break up because of this madness of Bauli. Essentially that, but there are also many other things. Rajat ji, promo bahut hi interesting laga dekhne mein. मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि वास्तविकता जो है वो हकीकत से कितनी परे लगती है आपको? वास्तविकता हकीकत से कितनी परे? जी बस उर्दू और हिंदी का फर्क है. एक्सप्लेन द डिफरेंस. जैसे इन्होंने कहा अभी कि प्रोमो में दिखाई बोला कि मैं जो है उड़ना चाहता हूँ, तो ये वास्तविकता नहीं हकीकत है, तो इससे कैसे रिलेट करेंगे फिल्म को आप? देखिए, इसका मुझे जहां तक जितना हमने फिल्म को एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है इसका जो टाइटल है आंखों देखी, मुझे लगता है ये सच में सार्थक है. अगर आप जाएंगे और देखेंगे तभी आप ये वास्तविकता और हकीकत के बीच में फर्क पैदा कर पाएंगे. ऐसे बताने में एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, पर इसका अनुभव तभी होगा जब आप सच में आंखों देखेंगे. Because also everybody's experience is different. How you will see the film, how you will see the film, will not be the same as somebody else's experience of it. रजत सर, जैसे कि आंखों देखी फिल्म 21 मार्च को रिलीज हो रही है, इससे बीच में कई सारी फिल्में रिलीज होने वाली होंगी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ध्यान में रखकर बनाते हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये फिल्म को लोगों को नोटिस में ज़्यादा मिलेगी और किस तरह से? क्योंकि आजकल जिस तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं, क्या आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं? I don't think films should be made with that idea. I think that's a secondary thing. What the film does at the box office is a secondary thing. You don't start making, at least I don't start making a film with the idea of what numbers it will collect. I'm very grateful that I'm allowed to make any film at all. So what happens with the box office is really not the primary concern. The primary concern is that you make a film that you believe in. Rest everything else is a bonus. If it does well, I'll be very happy. I'll also be happy because it'll allow me to make my next film and the next. एक और सवाल ये है कि इस बार आपने अपनी फिल्मों में मंझे हुए कलाकार लिए, सारे थिएटर से जुड़े हुए हैं. पहले भी मंझे हुए. हाँ, लेकिन वही मेरा सवाल था कि अक्सर हमने आपको आपकी जो एक गैंग थी उनके साथ ही देखा था फिल्म बनाते हुए, तो इस बार वो क्यों नहीं रिपीट किया और क्यों नए कलाकार? इनकी गैंग बदल चुकी है, हम आ गए. See, it's not true because except for Ranveer Suri, who I admit has been repeated in three of my films, every other time I've worked with Konkana, I've worked with Koel Puri, I've worked with Maria Goretti, I've worked with Sadia Siddiqui, I've worked with Neha, I've worked with Bull, and now I've worked with Seema and Taranjit and Maya. Only Ranveer Suri is the exception who you keep beating me up with. You know? I'm sorry, but I like him. It's also because he's a wonderful actor. And somehow the roles that he was playing could fit into each one of them. It's not because he's a friend of mine or the other gang or anything like that. Rajat ji, आपकी फिल्में हमेशा से अलग रहती हैं, हकीकत बहुत ज़्यादा बयां करती हैं. अगर इस फिल्म की बात करें, आपने कहा कि जरूर बताना बड़ा मुश्किल होगा कि कॉमेडी है कि क्या है, क्या बुजुर्गों की कहानी दर्शाता है, और क्या इसको ये कहा जा सकता है कि इट्स अ इमोशनल कॉमेडी स्टोरी? यू कैन कॉल इट दैट. देखिए, 55 साल के आदमी को आप बुजुर्ग बुलाते हैं, ये मेरे को पसंद नहीं है बात. संजय मिश्रा जी पूरी की पूरी फिल्म में सेंटर कैरेक्टर हैं, उनके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे आपसे. हालांकि प्रोमो से बहुत कुछ पता चलता है फिर भी, लेकिन आपकी ज़बानी अगर आप देखिए, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार है जिनमें पैसे की किल्लत रहती है, रोजाना खर्चे की किल्लत रहती है, और उस परिवार के कर्ता जो है ये संजय मिश्रा जी हैं, बाबू जी. और एक दिन उनको एक कीड़ा उनके दिमाग में घुस जाता है, और वो कीड़े की वजह से कहाँ कहाँ उनका सफर शुरू होता है, कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं, वो कहानी है, वो किरदार है. वो ऐसा किरदार है जो किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है, और उसकी वजह से उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ता है, और उनके आस पास जो लोग हैं उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ता है, ये कहानी. आप मानते हैं कि इस तरह की बातें हकीकत जीवन में भी होती हैं, और जिस तरह का आपका प्रोमो है, क्या फिल्म कोई मैसेज भी लेके आती है? यू नो, दो इट सीम्स लाइक. देखिए, फिल्म मेरा ये मानना है कि फिल्म का या किसी किताब का या किसी कहानी का एक मैसेज नहीं होता है. आई थिंक इफ इट हैज ओनली वन मैसेज, देन इट्स अ बैड बुक और अ बैड फिल्म. सो व्हाट वी कीप लुकिंग फॉर अ मैसेज, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग टू लुक फॉर इन अ फिल्म और अ प्ले और अ बुक.
you look at a painting, you don't say, what is the message of this painting? No, you just enjoy that painting. You know, or you listen to music, you don't say, what is the message of this music? You like that piece or you don't like that piece, right? But it affects you experientially, it affects you emotionally, and that's how it teaches you many things. So what message you have is but not in a thing that I want to say. That is not a message. You know, message is not that you will be a nation. That is a bad message. कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसी क्योंकि ये किरदार मेरा बहुत जाना हुआ था मुझे कोई परेशानी नहीं हुई संजय मिश्रा भी डायरेक्टर बन गया उनके भी मूवी किस तरह के आउटपुट मिले डायरेक्टर हाँ वो तो ठीक है क्योंकि मैं भी जब किसी दूसरे की फिल्म में काम करता हूँ तो फिर मैं एक्टर की तरह ही काम करता हूँ और डायरेक्टर की तरह नहीं उसी तरह संजय मिश्रा जब दूसरी फिल्म में एक्टिंग कर रहे होते हैं तो वो अपना डायरेक्टर घर छोड़ के आते हैं।